हाँ, तो स्वागत है आप सबका प्रश्नोत्तर सीरीज में। आज राजस्थान के इतिहास का पांचवा टॉपिक है अपने पास, मेवाड़ का गुहिल वंश। इसके सबसे मेन सब सर्वश्रेष्ठ 30 प्रश्न इस वीडियो में अगले 10-15 मिनट में अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पहला ही प्रश्न है अपना, मध्यकालीन मेवाड़ के इतिहास का स्वर्ण काल किस शासक के समय को कहा जाता है? तो स्वर्ण काल कहा जाता है, मध्यकालीन मेवाड़ की बात कर रहे हैं यहाँ। ऑप्शन में तेज सिंह, समर सिंह, चैत्र सिंह और राणा हमीर। तो अगर आप इवोल्यूशन कर रहे हैं फटाफट से अपना जो आंसर है वो मार्क कर लेंगे। थर्ड ऑप्शन है वो सही है, इसमें चैत्र सिंह। याद रखना है, याद था तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो प्रश्न ऐसे परीक्षा में आ जाते हैं। और इसको उस कंपैरिजन में भी याद रखना है, जब चित्रकला की बात आती है तो अलग शासक आता है ना। रत्न प्रभ सूरी, पार्श्वनाथ, भावशंकर, वेद शर्मा, शुभचंद्र जैसे विद्वान किस शासक के दरबार में रहते थे? ऑप्शन में है रतन सिंह, तेज सिंह, समर सिंह और चेतर सिंह। तो यहाँ जो थर्ड ऑप्शन है अपना रावल समर सिंह वाला, वो सही उत्तर है। तीसरा प्रश्न है, रावल रतन सिंह के तांत्रिक पंडित का नाम क्या था जिसने अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में जाकर शरण ली थी? तो ऑप्शन में जायसी, राघव चेतन, खुसरो और फरिश्ता। तो फटाफट से पता चल ही रहा है, सेकंड वाला ऑप्शन है वो सही है, राघव चेतन। इसके अलावा जायसी हैं, उन्होंने पद्मावत ग्रंथ लिखा था, ये ध्यान रखेंगे आप। चौथा प्रश्न है, सिसोदिया वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो सिसोदिया वंश की स्थापना, पहले गुहिल वंश था, उसके बाद जो वंश आया था वो था सिसोदिया वंश, और उसके संस्थापक में ऑप्शन में देखिए क्षेत्र सिंह, हमीर, लाखा और मोकल। तो सही जो उत्तर है वो है सेकंड वाला ऑप्शन, राणा हमीर। और अगर पूछ लिया जाए ऐसे कभी कि कब की गई थी, तो 1326 ईस्वी, उस समय अपने अलाउद्दीन खिलजी हैं उसने नियुक्त किया था मालदेव को, मारवाड़ के शासक थे उस समय मालदेव, उनको प्रशासक नियुक्त किया था, और राणा हमीर है उन्होंने हराया था। और राणा हमीर को इसीलिए विषम घाटी पंचानन और मेवाड़ का उद्धारक राजा भी कहा जाता है। अगला पांचवा प्रश्न है अपना, जोटिंग भट्ट और धानेश्वर भट्ट जैसे विद्वान किस शासक के दरबार में रहते थे? ऑप्शन में है अपने पास लाखा, मोकल, चूड़ा और कुंभा। तो सही उत्तर है वो हो जाएगा अपना फर्स्ट ऑप्शन ही, राणा लाखा। छठा प्रश्न है, मोकल के शासनकाल में मेवाड़ पर किन का प्रभाव था? तो प्रश्न को समझ लेंगे अच्छे से तो फिर इसका भी सही आंसर आ जाएगा, जैसे हाड़ा है, राठौड़, मुगल या पिंडारियों का। तो एक चीज आप बहुत अच्छे से जानते हैं, जो मोकल है उसका ननिहाल था मारवाड़, है ना, और वहाँ जो शासन करने वाले शासक थे या राजवंश था वो था राठौड़। तो स्वाभाविक रूप से उसका प्रभाव है वो मेवाड़ पर पड़ना ही था। अगला प्रश्न है सातवां, राजपूताने के भीष्म के नाम से प्रसिद्ध कुंवर चूड़ा के पिता थे, पिता का नाम पूछा गया है। तो एक तो प्रश्न क्लियर हो रहा है आपका, भीष्म किसे कहा जाता, तो कुंवर चूड़ा है ना, और पिता कौन थे? देखिए ऑप्शन में है मोकल, लाखा, कुंभा और हमीर। तो इसमें जो सही उत्तर है वो अपना सेकंड वाला ऑप्शन है, राणा लाखा। और राणा लाखा और अंसाबाई की संतान मोकल, जो कि बाद में उत्तराधिकारी बना था, यानी कि वो तो कुंवर चूड़ा का भाई हो गया। आठवां प्रश्न है, किस शासक का शासनकाल कला एवं वास्तुकला का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो जेतर सिंह पढ़ा था हमने मध्यकालीन मेवाड़ में स्वर्ण युग, और यहाँ बात की जा रही है पूरा जो शासनकाल है उसमें वास्तुकला की, वास्तुकला में सबसे नंबर वन शासक कौन थे? ऑप्शन में देखिए कुंभा, सांगा, प्रताप और उदय सिंह है। और महाराणा कुंभा के बारे में आप जानते हैं, 84 में से 32 दुर्गों का निर्माता अकेला ही है ये, तो वास्तुकला में स्वाभाविक रूप से यह स्वर्ण युग वाला शासक होना ही है। अगला प्रश्न है, भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश किसे कहा जाता है? किस इमारत को भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश कहा जाता है? तो वास्तुकला का नायाब उदाहरण है, आपके सामने फोटो है, देख रहे हैं आप, विजय स्तंभ है ना। ये एक मतलब ऐसी इमारत है जिस पर सबसे पहले 1949 में ही डाक टिकट जारी हो गया था, और रोम की जो इमारत है टारजन, उससे तुलना की थी फर्ग्यूसन ने, बेस्ट बताया था उससे भी, कर्नल जेम्स टोड ने कुतुब मीनार से बेस्ट बताया था, भगवान विष्णु को समर्पित है। सारी चीज़ें आप याद करना चाहें, जितना रिवाइज करना चाहें। ऑप्शन में जो बाकी ऑप्शन भी हैं वो चित्तौड़ दुर्ग में ही हैं, कीर्ति स्तंभ है, कुंभ श्याम मंदिर है, सतबीज देवरी जो कि जैन धर्म से संबंधित है। 10वां प्रश्न है, निम्न में से किस दुर्ग का निर्माण महाराणा कुंभा ने नहीं करवाया? प्रश्नों को बहुत अच्छे से समझना है, या नहीं पूछा गया है। ऑप्शन में चित्तौड़, बसंती, अचलगढ़ और कुंभलगढ़। इस प्रश्न पर मैंने क्लास में चर्चा भी की थी एक बार पहले, आपको ध्यान हो तो, वहां भैंसरोड़गढ़ ऑप्शन था, यहाँ चित्तौड़गढ़ है। तो
तो चित्तौड़गढ़ी इसका सही उत्तर भी है, क्योंकि चित्रांगद मौर्य ने की थी इसकी निर्माण की बात अगर आ जाए तो चित्रांगद मौर्य इसका निर्माता है। और भैंसरोड़गढ़ भी ध्यान रखेंगे, कभी परीक्षा में पूछा गया था एक बार, जिसका निर्माता भैंसा शाह और ऐसा कोई व्यापारी वगैरह दूसरे हैं, महाराणा कुंभा नहीं है। 11वां प्रश्न है, महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ नहीं है, यानी कि महाराणा कुंभा लेखन में भी बहुत आगे थे लेकिन उनके द्वारा एक ग्रंथ ऐसा है जो उन्होंने नहीं लिखा इनमें से। तो रसिक प्रिया आप जानते हैं लिखा है उन्होंने सूड प्रबंध लिखा है, एकलिंग महात्म्य जो कि इस प्रश्न का सही उत्तर है, संगीत राज भी उन्होंने लिखा था, एकलिंग महात्म्य लिखा था कान्हा व्यास ने, है ना, जो कि इनके गुरु भी थे और एकमात्र जो वेतनिक दरबारी भी थे कान्हा व्यास। और इस एकलिंग महात्म्य में एक यूनिट है जिसका नाम है राजवर्णन, वो राजवर्णन निश्चित रूप से कुंभा ने लिखा था लेकिन पूरा ग्रंथ पूछा गया है इस हिसाब से थर्ड ऑप्शन वो सही हो जाएगा। 12वां प्रश्न है, महाराणा सांगा को किस इतिहासकार ने सैनिक भग्नावशेष कहा। तो एक प्रश्न तो यहाँ से क्लियर हो रहा है आपका, सबको याद भी होगा ये जरूरी, सांगा को ही सैनिक भग्नावशेष कहा जाता है, किसने कहा था। तो ऑप्शन में टोड है, फर्ग्यूसन, ओझा और सूर्यमल मिश्रण, तो यहाँ जो सही उत्तर है वो है कर्नल जेम्स टोड। 80 गांव थे जब इनका दाह संस्कार हुआ था उस समय शरीर पर। खानवा का युद्ध किस तिथि को हुआ था, 13वां प्रश्न पूछना चाह रहा है। तो इसमें ऑप्शन में 1517 है, 1518 है, 16 फरवरी 1527 है और 17 मार्च 1527 है। 5 युद्ध हुए थे उस श्रृंखला में, सबसे जो लास्ट युद्ध हुआ था 17 मार्च 1527 को, जिसमें बाबर ने पूरा जिहाद घोषित कर दिया था और तोप वगैरह सारी चीज़ें तुलुगमा पद्धति वगैरह इनके कारण फिर सांगा हार गए थे इसमें। 14वां प्रश्न है, राणा सांगा की मृत्यु के बाद किस शासक ने चित्तौड़ पर हमला किया था। ऐसे प्रश्न कभी कभी, क्योंकि हमने क्या कर बहुत अच्छे से सांगा को पढ़ लिया, बाद के शासकों को भी पढ़ लिया, लेकिन बीच में थोड़ा सा जो संक्रमण काल था उस समय से कहीं प्रश्न बना दिया जाए, ज़्यादा चर्चा नहीं होती है तो ध्यान रखेंगे इसका। ऑप्शन में बहादुर शाह, हुमायूं, बाबर और इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश की फाइल तो पहले निपट गई थी जैत्र सिंह के समय, ये समझ पा रहे हैं आप। बाबर ने, चूंकि फेस टू फेस इनका युद्ध हुआ था तो बाद में हमला करने जैसी बात ही नहीं रही। हुमायूं हैं, उसने उस समय सहयोग का प्रयास किया था कर्णावती, जो कि राणा सांगा विक्रमादित्य इनका बेटा था, वो छोटा था तो कर्णावती संभाल रही थी शासन, और कर्णावती जब शासन संभाल रही थी उस समय हमला किया था बहादुर शाह ने, तो सही उत्तर हो जाएगा बहादुर शाह। 15वां प्रश्न है, उदय सिंह की रक्षा के लिए पन्ना धाय की सहायता करने वाला सहयोगी कौन था। बढ़िया प्रश्न है, तो बनवीर तो काजर था, कीरत बारी, जयमल और आशा देवपुरा। आशा देवपुरा कुंभलगढ़ के किलेदार थे जिन्होंने उदय सिंह को मतलब बड़ा किया था पाल पोस के। इसके अलावा जयमल उदय सिंह के बाद में मतलब कि साथ देने वाले हैं, और यहाँ जो सही उत्तर है वो सेकंड वाला ऑप्शन है, कीरत बारी, ये वह महल में काम करने वाला कर्मचारी था जिसने सहयोग किया था पन्ना धाय का। महाराणा उदय सिंह द्वारा उदयपुर नगर की स्थापना कब की गई थी। तो 1459, 1559, 1359, 1659। तो वैसे अगर पढ़ा है आपने अच्छे से तो ये तो लगा लेंगे, लेकिन कभी कभी जो फोबिया होता है हिप्नोटाइज वाला उसमें गड़बड़ कर जाते हैं कुछ विद्यार्थी, तो थोड़ा सा अभ्यास हो जाएगा, ठीक रहेगा अपना। सेकेंड ऑप्शन इसमें सही है अपना, 1559। 17वां प्रश्न है अपना, राणा कीका और पाथल के नाम से प्रसिद्ध थे। सामने है शूरवीर महाराणा प्रताप का फोटो, ऑप्शन में भी पहला ही है महाराणा प्रताप, और उनके उपनाम के बारे में पाथल है, और ऐसा का ऐसा ही सेम शब्द आता है वो पृथ्वीराज राठौड़ के लिए, उसमें पीथल शब्द आता है ये ध्यान रखेंगे आप। बाकी कीका कहा जाता था प्यार से गांव के जो मतलब जब छोटे थे ये, उस समय इनको राणा कीका के नाम से बुलाते थे लोग। 18वां प्रश्न है अपना, अकबर द्वारा राणा प्रताप के पास भेजे गए शिष्टमंडल का सही क्रम है। ऐसे प्रश्न कभी पूछ लिए जाते हैं, तो इस प्रश्न के लिए मैंने क्लास में बताया था एक फॉर्मूला, जमा भट्टो, यानी सबसे पहले जलाल खां, फिर मान सिंह, फिर भगवान दास और लास्ट में गए थे टोडरमल। तो ऑप्शन में सबसे पहले देखिए ये ऑप्शन तो इसका सही उत्तर हो ही नहीं सकता क्योंकि मान सिंह आ गया, जबकि जलाल खां सबसे फर्स्ट आना चाहिए, उसके बाद मान सिंह, तो ये ऑप्शन भी कट गया क्योंकि यहाँ सेकंड नंबर पे टोडरमल आ रहा है, जलाल खां, मान सिंह है, फिर टोडरमल आ गया, यहाँ भगवान दास आना चाहिए, यानी कि लास्ट वाला ऑप्शन है वो जलाल खां, मान सिंह, फिर भगवान दास और टोडरमल, लास्ट चौथा ऑप्शन है अपना सही है।
19वां प्रश्न है, महाराणा प्रताप के प्रिय हाथी का नाम क्या था? ऐसे कभी कभी क्या बहुत जल्दबाजी में होते हैं उस समय चेतक, क्योंकि बहुत जुड़ा हुआ नाम है तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। चेतक था घोड़ा, है ना, और हाथी पूछा गया है तो सही उत्तर है राम प्रसाद। गजयुक्ता मुगल, मतलब कि मुगलों का हाथी था, अकबर का कह लो सीधा, और मर्दाना अकबर का ही सेनापति था, नामर्दा क्या था उसका नाम, मान सिंह, तो उसका हाथी था। 20वां प्रश्न है, हल्दीघाटी के युद्ध को बनाश का युद्ध या रक्त तलाई का युद्ध किस विद्वान ने कहा? देखिए वो मतलब थर्मोपोली कहाँ है, खमनोर का युद्ध कहाँ है, गोगुंदा का युद्ध कहाँ है, ये तो हमने देख लिया, लेकिन बनास का युद्ध या रक्त तलाई का युद्ध अगर पूछ लिया जाए परीक्षा में तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप। इसमें सही उत्तर अपना लास्ट वाला ऑप्शन है, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा। बदायूं ने गोगुंदा का कहा था, अल बदायूं ने फजल ने कहा था खमनोर का युद्ध, है ना, और जेम्स टोड ने कहा था थर्मोपोली। 21वां प्रश्न है, अकबर द्वारा मेवाड़ पर नियंत्रण के लिए स्थापित किए 4 मुगल थानों में से नहीं है, यानी कि 4 थाने स्थापित किए थे उनमें से एक ऐसा है जो इसका उत्तर नहीं है, तो वो अपन देख रहे हैं दिवेर ऑप्शन में है, देसुरी है, देवगढ़ है और देबारी है, तो इसमें देवगढ़ है वो थाना नहीं था, इसके बजाय देवल था, और देवल था वो कहाँ था, डूंगरपुर में। 22वां प्रश्न है, मेवाड़ मुगल संधि किस तिथि को हुई थी? तो 5 फरवरी 1615 है, फिर 5 फरवरी 1516 है, उल्टा कर दिया है केवल यहाँ 15 को, फिर 15 कर दिया है, तो 5 फरवरी तो आपको पता है, अब इन दोनों में से पता लगाना है, ये दोनों इसका उत्तर नहीं है, 1615 है या 1516 है, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन है वो सही है, 1615, 5 फरवरी 1615। राजसमंद झील का निर्माण किस नदी के पानी को रोककर किया गया? तो झील का नाम राजसमंद झील है और पानी को रोककर, तो इसमें जो सही उत्तर है वो फर्स्ट वाला ऑप्शन ही है अपना, गोमती नदी। इसके अलावा बनास, कोठारी, बेडच इसके ऑप्शन हैं, लेकिन जो सही उत्तर है वो गोमती नदी है। 24वां प्रश्न है, अपने साथियों और प्रजा में सैनिक जीवन की अभिव्यक्ति के लिए किस शासक ने विजय कटकातु की उपाधि धारण की थी, यानी विजय कटकातु के नाम से किसको जाना जाता है? ऑप्शन में जय सिंह फर्स्ट है, महाराणा प्रताप है, राज सिंह प्रथम है और महाराणा सांगा है, तो सही उत्तर है वो थर्ड वाला ऑप्शन है, राणा राज सिंह प्रथम, जिन्होंने राजसमंद झील बनाई थी। 25वां प्रश्न है, जयसमंद अथवा ढेबर झील के निर्माण का निर्माण किस सदी में महाराणा जय सिंह प्रथम द्वारा करवाया गया? ऐसे प्रश्नों में कभी कभी जब कन्फ्यूजन आता है तो इतना खतरनाक तरीके से आता है कि विद्यार्थी पूरा मतलब कि डिसीजन लेने में असमर्थ हो जाता है। यहाँ सही उत्तर देखिए, ऑप्शन में 16, 17 है, 15वीं है, 18वीं है, सही उत्तर इसका सेकंड वाला ऑप्शन है, 17वीं सदी, 1691 में कंप्लीट हुई थी, मतलब 17वीं सदी इसका उत्तर आएगा। उसमें क्या हम जब सन पढ़ते हैं तो उसमें 16 लिखा हुआ आता है, सबसे पहले 1691 है या शुरुआत हुई थी तो 1600 वो ऐसे, लेकिन सदी वो काउंट होगी 17वीं। 26वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रियासत मेवाड़ राजवंश से निकले वीरों द्वारा स्थापित नहीं की गई? तो रियासत की बात की जा रही है, ये थोड़ा ध्यान देना, प्रतापगढ़ बिल्कुल स्थापित की गई थी, डूंगरपुर स्थापित किया गया था, शाहपुरा भी बिल्कुल मेवाड़ से ही निकले हुए ने, लेकिन यहाँ जो लास्ट ऑप्शन है देवगढ़, वो एक ठिकाना था, रियासत नहीं था। 27वां प्रश्न है, श्रीनाथ मंदिर सिंहाड़ किस जिले में स्थित है? ऑप्शन में उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और भीलवाड़ा है, सही उत्तर है वो है तीसरा वाला, राजसमंद में। 28वां प्रश्न है, श्रृंगार चमरी कहाँ स्थित है? ऑप्शन में है चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, नाहरगढ़ और कटारगढ़, इसमें ये दोनों तो उत्तर है नहीं, कटारगढ़ तो एक छोटा दुर्ग है जो कुंभलगढ़ में स्थित है ना, और ऐसा लगता है श्रृंगार चमड़ी का कि कुंभलगढ़ में से होगा, लेकिन इसमें जो सही उत्तर है वो चित्तौड़गढ़ है, और कुछ जगह किंवदंतियों में से कहा जाता है कि महाराणा कुंभा की पुत्री का जो विवाह हुआ था उसकी चमड़ी है, उसी का नाम श्रृंगार चमड़ी। 29वां प्रश्न है, अल्लट द्वारा आहड़ में कौन सा मंदिर बनवाया गया था? तो अल्लट का नाम तो चर्चा में चल ही रहा है, नौकरशाही है, हरिया देवी है, और अभी आहड़ को राजधानी बनाना है, फिर एक मंदिर का नाम भी और आप साथ में याद रखेंगे, मतलब याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो याद रखना है वराह मंदिर। और लास्ट प्रश्न है, कर्नल जेम्स टोड ने किसे मेवाड़ का कर्ण कहा नहीं है या कहा है? तो ऑप्शन में हकीम का सूर, पूंजा भील, भामाशाह, शक्ति सिंह, इसका आंसर आपको कमेंट करना है।
ओके साथियों, धन्यवाद।